खखरावाला। सुरेश भाई, बच्चों की बात को मन में मत रखना, नादान है वो। चनिया चोली तेरे लिए। आजी, कैसे लगी आपको ये चनिया चोली? देखकर वो दिन याद आए, क्या खेलती थी इस चनिया चोली में, क्या लगती थी। ये मैं नहीं पहन, ये आप पहनेंगे। तुम सचमुच मानती हो कि पापा तुम्हारे साथ है, हमारे साथ है, तो तुम ना नहीं कहो। माँ, रोज तुम हमें अपनी कसम देती हो ना, तुम्हें आज हमारे साथ गरबा खेलने आना ही पड़ेगा, बस। मैं रेडी रहना, आपका वेट कर, हम आपका वेट कर, रेडी रहना। ओके, ये चनिया चोली मैं नहीं पहन सकती, ये तो उन्होंने मुझे दिया था। इस चनिया चोली में तो उनकी यादें, उनकी सांसें, वो हर पल बसा है। ये सिर्फ एक कपड़े का टुकड़ा नहीं है मेरे लिए, हमारे जीवन का हर वो एक लम्हा है। हमारी बोर्ड पापा, क्या सोच रही है? यही ना कि कैसे पहन सकती है तू ये चनिया चोली? हाँ, ये चनिया चोली आपके बिना नहीं पहन सकती, पर मैं तो हमेशा तेरे साथ। क्यों क्यों क्यों? हमेशा मुझे अपने पास साथ महसूस करती है? वो तो है, लेकिन फिर क्या सोच? पगली पगली, चलो बहन। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हो, मगर वहां लोगों के बीच आपके बगैर गरबा खेलूंगी तो टूट जाऊंगी। और फिर मैंने आपसे वादा किया था, अगर ये चनिया चोली पहनूंगी तो सिर्फ आपके साथ पहनूंगी। साथ फेरे लेकर पति के साथ रहने की, खुश रखने की सात कसमें तो सभी लौट के लेती हैं, पर तूने तो आठवीं कसम ली है, अपने बच्चों को खुश रखने की। क्या आज वो कसम तो भूल गई? क्यों उनकी खुशी के लिए तो कुछ भी करेगी? बच्चों के लिए तूने आंसू पिए, इतनी मेहनत की कि उनकी हर ख्वाहिश, अपने आप को मजबूत बनाया, और आज जब बच्चों ने कुछ मांगा तो तू हिचकिचा रही है। चाहते हैं कि तू भी अपनी जिंदगी जी, वो चाहते हैं कि जिंदगी में तू सिर्फ दिन जोड़ती ना जाए, बल्कि दिनों में जिंदगी भरती रहे। क्या अपने बच्चों के लिए तो इतना नहीं करेगा? पर मैं घर बात के लूं, इसमें बच्चे खुश होंगे? तुम्हें खुश देखकर ही बच्चे खुश होंगे। लोग क्या कहेंगे? हे कृष्णा, लोगों की बातों से नहीं करेंगे। पर मैंने जो आपको वचन दिया था वो, बच्चों को खुश रखना यही तरह करता है। हमारी गरबी गुजरात, ये चनिया चोली पहनकर तू गरबा खेलेगी, डर मत, मैं हमेशा तेरे साथ हूं, ये मेरा वादा है। Thank you.
प्यारी बहन दिव्या, जितनी खूबसूरत तुम हो उससे कई ज्यादा खूबसूरत तुम्हारा दिल है। ये तोहफा उतना खूबसूरत तो नहीं, फिर भी इस चनिया चोली में न सिर्फ अंबावाड़ी मगर सारी दुनिया तुम्हें देखती रह जाएगी। भाई थैंक यू सो मच। अच्छा है ना? नहीं नहीं बहुत अच्छा है। लेकिन भाई इतना एक्सपेंसिव क्यों, क्यों इतना खर्चा किया आपने? दिव्या भाई बहन के बीच में पैसा नहीं है। मुझे पता है नीले ने पूरे 1000 रुपए खर्चे, वो भी तेरे लिए। क्या? हाँ, और मैंने तो उसे बोला था ये थोड़े पैसे और खर्च देता ना तो नई चनिया चोली आ जाती। लेकिन अरे मजाक कर रहा हूँ, मजाक कर रहा हूँ। मेरा भाई तोहफे में मुझे एक सूती कपड़ा भी देता ना तो मेरे लिए बहुत अनमोल होता। अगर मुझे पता होता ना तो मैं भी कोई फटा पुराना कपड़ा लाकर दे देता। क्या खाएगा? दिव्या इसमें उदय के भी 200 रुपए हैं। थैंक यू सो मच ब्रदर्स, यू आर द बेस्ट। चल चल अब बहुत हो गया, इतना फॉर्मल होने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये चनिया चोली पहन और मम्मी को दिखा, जा जल्दी। हाँ तब तक वो हमारी बात नहीं मानेगी। हाँ क्यों नहीं मानेगी? आज तो मैं अपने हाथों से तैयार करूँ। अरे सुनो, हमारे पतिदेव ने हमसे वादा किया है। वादा? कैसा वादा? अरे वो कह रहे थे कि 7 जन्म तो तोरा साथ निभाएंगे। बड़ी किस्मत वाली है तू। अरे काहे बात की किस्मत वाली? अरे वो कह रहे थे कि 7 जन्म तो तोरा साथ निभाएंगे और ये 7वां और आखिरी जन्म है बस। अरे ओ मावड़ी ओ, अरे हंसना कम करो और काम जल्दी जल्दी करो। अरे महाप्रसाद भी तो बनाना है। और हाँ शाम को गरबा है, तुम लोग ऐसे ही आ रहे हो या तैयार होकर आ रहे हो? तैयार होकर आएंगे। फिर झटपट काम करो और जल्दी जल्दी। गायत्री गोकुल धाम से दया बहन और उसकी सहेलियां भी आ रही है गरबा खेलने, तब तो गरबे में धमाल हो जाएगा। झटपट काम करो। मासी आप उठे उठे उठे, मैं कर लूंगी। चलिए आप जाकर तैयार हो जाइए। हाँ कृष्णा बहन आप भी गरबा। ये गायत्री भी ना फिर से गड़बड़ करती। बोलो बोलो, मुझे बुरा नहीं लगेगा, मैं भी खेलूंगी गरबा। तुम सबके साथ, अपने बच्चों के साथ, सबके साथ। अरे वाह, तो बहुत मजा आएगा। निलय उदय, अरे निलय उदय क्या छो, कहाँ तुम लोग? भाई आराम से आराम से। अरे उदय निलय का अभी फोन आया कि माँ गरबा खेलने के लिए तैयार हो गई। हाँ, है वो हम लोग के साथ खेलने वाली है। इनफैक्ट हम सब ने मिलकर उन्हें मनाया। हाँ भाई, हमेशा हमारी खुशी में खुश रहने वाली हमारी माँ, आज उन्हें खुश देखकर हम सब खुश होंगे। भाई हमने कभी ये नहीं सोचा कि माँ हमारे लिए, इस घर के लिए जीते जीते अपने लिए भी थोड़ा सा जी सकती है। लेकिन दिव्या ये बात समझ गई। कहाँ है दिव्या? दिव्या उन्हें तैयार कर रही है। बस इतने काफी है। हाँ मॉम कितने सुंदर लग रहे हो। जिद मत करना बेटा, अब अधू सारू नहीं लगे, अच्छा नहीं लगेगा इतना सब। सही कह रहे हो आप, बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। इसके बिना कैसे अच्छा लगेगा? अब देखो
ये भी कुछ नहीं, बहुत अच्छे लग रहे हो। दिव्या कितना टाइम? तैयार हो रही है कि मामा को तैयार कर रही है? एक मिनट मामा जल्दी उठो। अरे क्यों? अरे उठो ना। अरे जब तक मैं नहीं बुलाऊं आप नहीं आना। अरे एक सेकेंड। कृष्णाबेन खाखरावाला। लग रहा ना? अरे बहुत अच्छा लग रहा है। अरे मम्मा वहां क्यों खड़े हो? चलो चलो आओ। इसकी जिद की वजह से मुझे ये सब कुछ पहनना पड़ा। आज तुम्हारी एक नहीं चलेगी, क्योंकि हम सब मिलकर अंबे माँ के पाटोत्सव में धूम मचाने वाले हैं। पणिलेश पण वण कहीं नहीं माँ, आज तुम कुछ नहीं सोचोगी, सिर्फ हमारे साथ नीचे चलोगी। चलो दो मिनट मैं 2 मिनट अपने कमरे में जाकर आती हूँ। ठीक है, लेकिन सिर्फ 2 मिनट, जल्दी आना। अच्छा मुझे तो किसी ने बताया नहीं, मैं कैसी लग रही हूँ? अमेजिंग, ब्यूटीफुल बन गई। अरे अरे धीरे से। आज तू उसको कुछ नहीं बोलेगा, समझा? अरे क्यों? क्यों क्या? जो चीज हमने किसी ने नहीं सोची वो इसने सोची। आई लव यू माई सिस्टर फॉर दैट। लव यू टू भाई। देख दिव्या, बातों बातों में एक चीज देना ही भूल गया तुझे। कौन सी? सोच सोच क्या होगी क्या होगी। दिस इज फॉर यू। वाओ भैया इट्स ब्यूटीफुल, थैंक यू सो मच। और इस चनिया चोली पे ये और भी अच्छा लगेगा। देख वाह क्या बात है, पहले चनिया चोली अब ज्वेलरी। इकलौती बहन होने का कोई फायदा तो होना चाहिए ना। अरे यही बातें करते रहोगे, नीचे गरबा खेलने भी चलोगे? हाँ चलो चलो, मैं अभी माँ को लेके आती। हाँ जल्दी चल चल। ऐसे क्या देख रहे हो मुझे? शर्मा रही मुझे। आपने तो कहा था ना, अपने बच्चों के लिए मैंने श्रृंगार किया है। अब ऐसे देखना बंद कीजिए अपने गोल पापे को। मैं जानती हूँ आप मेरे साथ हैं, गरबा खेलते वक्त भी मेरे साथ रहना के लिए पड़ जाऊ। मम्मी मम चलो ना, कितनी देर? अरे कुछ नहीं चलो, देखना आज तो आपको सब लोग देखते ही रह जाएंगे, इतना मजा आएगा ना गरबा में कि बस। शैलू भाई रुको ना, जल्दी करो। वाह प्रीतेश तू तो एकदम दूल्हे राजा लग रहा है बेटा। और मैं कैसा दिख रहा हूँ? वो टोल्ड यू नाइन ओल्ड इज गोल्ड। माँ आप यहाँ क्या कर रही हो? माँ लुक एट यू, यू ब्लशिंग। अरे कुछ नहीं अभी आप चलो, आप भी कितना शर्माते हो माँ। चलो तू जा, मैं यहाँ से जाती हूँ। अरे माँ क्यों? माँ मेरे साथ चलो, यहाँ से क्यों जा रही हो माँ? दिव्या हाँ आई। हाँ भाई माँ कहाँ है? माँ तो पीछे की सीढ़ियों से नीचे चली गई। क्या आपको पता है कितना शर्मा रही थी? चलो चलो हम भी नीचे चलते हैं। हाँ, चलो चल।
मेरी चनिया चोली तो कितनी सुंदर है, मेरे भाइयों ने मुझे गिफ्ट किया है। दिव्या छोड़ तो एकदम रॉकिंग यार। अरे दिव्या, कृष्णाबेन का आरती का समय हो रहा है। हाँ मैं उन्हें अभी बुला के लाती हूँ। जल्दी जल्दी। वो बच्चे जिद जिद कर रहे थे, इसीलिए पहनना पड़ा। जा जा, दिख रहा अम्मे माँ तेरी राह देख रही है। मम्मी चलो ना, दादाजी बोलो चलो। तू जा, मैं बापूजी को दवाई देकर आती हूँ। आप दवाई दे दो ना, मैं रुकती हूँ, साथ में चलेंगे। लो ये दोनों आ गए, लेकिन ये गायत्री और सरस्वती ये कहाँ पे हैं? अरे आते ही होंगे, थोड़ा सबर कर। अरे कितनी देर कर दी बेटा, कहाँ रह गए थे? सॉरी आजी, ट्रेन लेट हो गई। हाँ हाँ ट्रेन लेट हो गई, ससुर तैयार होने में बड़ा टाइम लगाती है। तुम भी ना सरस्वती। कितनी छान सजोल है, असं वाटतंय कुठल्या तरी मोठ्या पिक्चरचा हिरो येणार आहे। हिरो आ गये। वो तो मेरी हाइट थोड़ी कम है ना, अगर थोड़ी ज्यादा होती ना तो यहाँ आसपास लड़कियों का मेला लगता मुझे देखने के लिए। क्यों छोटू भाई, अपनी हाइट के हिसाब से बात करो, यूं ही लंबी लंबी मत फेंको। अरे छोटू भाई, यहाँ औरतों के बीच में क्या कर रहे हो? जाओ वहाँ मर्दों के साथ। अरे जाओ बचना हसीना। बापूजी दवाई। चलो ना माँ, क्या कर रही हो? दिव्या तुझे माँ को ला। माँ चलो ना, लेट हो रहा है। माँ दादाजी आप भी चलो ना। मैं कुछ नहीं दादाजी, प्लीज चलो ना दादाजी। और दिव्या तू माँ को लेकर ही आना, माँ को अकेला मत छोड़ना। अब चलो ना माँ। माँ क्या कर रही हो, चलो, इतना क्यों शर्मा रहे हो? चलो दिव्या सुन, वो दूध गरम करके आती हो, तू जा तू जा। माँ दूध गरम कर दिया मैंने, अब चलो। क्या इतना शर्मा रहे हो, चलो ना माँ। अब क्या हुआ? चलो चोली तो बहुत खूबसूरत लग रही है। अरे गजब, हम पे यकीन ना हो तो मैं उसी से पूछ लो। हाँ हाँ, रोज वही आटा तेल मिर्ची के साथ फैक्ट्री में देखते हैं, आज ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है, नजर ना लगे किसी की। अरे कृष्णा बहन, आज तो आप बहुत ही सुंदर लग रही हो, देखा इन्होंने चनिया चोली पहनी है। कृष्णा तुझे देख के तो आज अम्बे माँ भी मुस्कुरा रही है। कितनी सुंदर लग रही है तू, डर लग रहा है कहीं मेरी ही नजर न लग जाए। अजी मासी, अरे तुम
सब मुझे ऐसे मत देखो, मुझे शर्म आ रही है।